हेलो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं खपोली। इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं उसकी हाइलाइट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गगनगिरी महाराज जी के आश्रम, और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और वहाँ का हमारा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और वहाँ खपोली में हम लोग वाटरफॉल भी जाएंगे और हमने कैसे इंजॉय किया, और इस टाइम बारिश के मौसम में खपोली में आप कहाँ इंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या वाटरफॉल चालू है, क्या क्या बंद है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और खपोली में बहुत प्राचीन एक शिव मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम लोग गए थे, यहाँ देखिए दर्शन किए हमने, तो ये सब भी आपको व्लॉग में दिखाएंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो खपोली के लिए देखिए कल्याण से हमको ट्रेन पकड़नी थी, तो सुबह सुबह हमने 6:50 की कर्जत ट्रेन पकड़ी और वहाँ से हम लोग चेंज करने वाले थे। और यहाँ पे देखिए फन बिगिंस, यहाँ पे एकदम फन टाइम हमारा शुरू हो गया है, पिकनिक मूड में हैं हम सभी लोग। और ये ट्रेन से प्यारा सा, हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग खपोली जा रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ जा रही है। अरे हाय, छुट्टी भी है, आ रहा हूँ, आकर भी है सब लोग। पहुंच चुके हैं कर्जत, यहाँ से खपोली की ट्रेन चेंज करनी होती है, तो अभी हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, अभी हम लोग खपोली से कर्जत वाली ट्रेन पकड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए ट्रेन से ही हमको वो प्यारा सा व्यू आना शुरू हो गया था, बहुत अच्छे नज़ारे थे, वो एंजॉय करते करते गए। और लोकल ट्रेन अगर खाली हो तो वो जर्नी बारिश में बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी एंजॉय किया। चुके हैं हम खपोली स्टेशन, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं खपोली स्टेशन, यहाँ पे हम खपोली। ज्यादा एक्साइटेड ये लग रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ खपोली। और ये देखिए आरव और आकाश, हम लोग आ गए हैं उत्सव होटल में, यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। क्या चाहिए बोलो, हम लोग भी बैठ चुके हैं। सिल पाव आ गया हमारा एकदम टेम्पटिंग वाला, देखे बारिश के मौसम में एकदम यम्मी यम्मी में सिल पाव आ रहा है। ये मोस्ट अवेटेड खपोली का वड़ा पाव और चाय हम लोग खा रहे हैं। चाय भी ठीक है, नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, तो चलते हैं। मठ भी जाना है, तो बहुत लंबा प्रोग्राम है, आप लोग बस बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। चलो जिया जी, स्माइल, पेट अंदर करो भाई, खाना खाया। तो यहाँ से मठ जाने वाले हैं अभी, तो यहाँ पे रिक्शा ढूंढ रहे हैं सब लोग, रिक्शे का वेट कर रहे हैं। और ये देखिए खपोली स्टेशन आते ही कितना प्यारा फॉगी फॉगी व्यू मिल रहा है हमको, 15 रुपीज ले रहे हैं पर पर्सन। चले जाओ ना, बैठ गए हैं यहाँ ऑटो में सब लोग, तो हम जा रहे हैं वाटर फॉरेस्ट, वो भी वाटर फॉल और मठ जा रहे हैं अभी, मठ जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं मठ और बहुत प्यारा लग रहा है। गगनगिरी महाराज ने यहाँ 14 साल पानी में तपस्या की थी। अच्छा, हाँ 14 साल यहाँ ही तपस्या की थी, इसलिए मठ है उनका ये।
पूरा दिन हम बिता सकते हैं यहाँ पे। और ड्रेसेस अलाउ नहीं है यहाँ पे, देखिए इस तरह से ऐसा लगा हुआ है, प्यारा लग रहा है, फ्लोरी है एकदम। क्या बोलते हैं ये वाटरफॉल है, अरे लग रहा है मैं बह जाऊंगा इसमें। व्यू देखिए कितना प्यारा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। दो ऑफिस में पकड़ता हूँ, अब थोड़ा एंजॉय करो। और आरव ने आज समझ लिया है वाटरफॉल क्या होता है, देख भी लिया है ना, आरव तो एक्सपर्ट लग रहा है वाटरफॉल में। हाँ तो इन लोग का भी एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। ये क्या है, मंदिर है किसका? आपका भी ले लो, प्यारा लग रहा है। शूज रख दिए हम, मट के अंदर फाइनली एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और अंदर बहुत खूबसूरत सा सब बनाया हुआ है। गगनगिरी महाराज की फोटो यहाँ पे लगी हुई है, और ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर खाने का कूपन पहले ही ले लेना होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ले रहे हैं 20 रुपीज़ का कूपन हम लोग ने खाने का ले लिया है। अब आगे 12 से 2:30 के बीच में खाना है। हाँ 12 to 2:30 तक यहाँ पे खाना मिलेगा आपको, तो अगर उस टाइम पे आप आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं 20 रुपीज़ का कूपन, और अंदर खाना होना रहेगा। और यहाँ पे देखो दोस्त लोग मजा कर रहे हैं एकदम व्यू में, वाह कितना प्यारा लग रहा है, मस्त व्यू है एकदम। चलिए आपको उधर से दिखाते। तो यहाँ पे इसी पानी में गगनगिरी महाराज ने समाधि ली थी, तो ये पूरे साल यहाँ पे पानी ऐसे ही फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसी पानी को बहुत पवित्र मानते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर दर्शन करने, वहाँ भगवान जी की सब सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं गगनगिरी महाराज की मूर्ति के साथ। तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था तो हमने ज़्यादा लिया नहीं है, लेकिन ये आश्रम के बाहर के नज़ारे, ग्रीनरी, साथ में पहाड़, व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मंदिर, ये देखिए हम लोग मठ के बाहर आ गए हैं, और ये है मठ के नज़ारे, कितना प्यारा लग रहा है। मठ में मेडिटेशन सेंटर उस भी बनाया हुआ था, और यहाँ पे रहने के लिए भी रूम्स बनाए थे, कुछ नॉमिनल प्राइस में आप पे करके यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ये सब आते भी हैं रुकने के लिए, तो दोपहर के टाइम तक यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ हो चुकी थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मठ के ऊपर वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी और भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इधर देखिए, और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और थैंक यू जीजा जी, आपने हमको इतनी अच्छी जगह पहुँचा दिया है, एकदम हेवन में आ गए हम लोग ऐसा लग रहा है। कूपन भी लिया है, कूपन भी लिया है, और खाना भी मिलेगा, उसकी शर्टी है और अच्छा लग रहा है कि खाना मिलेगा हमको, सच में। नहीं प्लेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा है बहुत। तो अभी तेरा बर्थडे यहां पे सेलिब्रेट करेंगे, यहां केक काटूंगा ऊपर, मानस मंदिर भी ऐसे ही है, तो तेरा पूछता हिट हो गया। देख के भैया पुरस्कार खाती आए, और यहाँ पे मंकी भी मिल गया है हमको, कितना प्यारा मंकी बैठा हुआ है, जंप कर रहा है। आकर्ष और आरो के लिए तो बस मजा आ गया। और यहाँ पे देखिए मसाज सेंटर भी था, आयुर्वेदिक मसाज सेंटर, और 800 फुल बॉडी मसाज का प्राइस था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मंकी आ गए हैं, दिख गए हैं, और छोटी सी गौशाला भी थी यहाँ पे अंदर ही, तो हम लोग ने मंकी देख के बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करते हुए मंकीज हमको दिखे यहाँ पे। और देखिए कैसे अच्छा लग रहा है, पानी वगैरह पी रहे हैं मंकी लोग।
गाइड है आज के लिए, हमको गाइड कर रही है कैसे कैसे जाना है। वाओ कितना ब्यूटीफुल मंदिर भी है ना यहाँ। ये किसका मंदिर है? हमारी टूर गाइड जी कहाँ गई? अच्छा वो चली भी गई है मंदिर में। वो देखिए हम लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं आगे की तरफ, और जीजा जी हमको ले जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ पाँव में हल्का हल्का ये कंकर टाइप का लग रहा है। टूर गाइड बहुत ही होशियार है, वो देखो वहाँ पे जाके हमारा वेट कर रही है। और हम लोग यहाँ पे, हाँ एक्यूप्रेशर हो रहा है ना हमारे पाँव का। हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मसाज हो गई। और आकाश लोग भी अपना ये देखो पाँव में लग रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं। इन लोग ने सरवाइव कर लिया, लेकिन वो अच्छा है, उठाना नहीं पड़ा। पूरा एडवेंचरस जर्नी है जीजा जी, पूरी एडवेंचरस जर्नी है एकदम पूरा। हम लोग एकदम क्यूरियस हैं क्या होने वाला आगे, अब अचानक से एक्यूप्रेशर का मसाज मिल गया। अच्छा इसीलिए ये रखा है ना, तो यहाँ पे ये मैट डाल दिया है तो आराम मिल रहा है थोड़ा सा हमको चलने के लिए। और यहाँ देखिए हम लोग चढ़ाई करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हर हर महादेव। संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर शंभो 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 शिव महादेवा नमो नमः। एक्साइटेड है यहाँ सब लोग। एक मिनट बिटे, एक मिनट। यहाँ से बस शुरुआत करनी है हमको, बस हम एवरेस्ट पे पहुँचने ही वाले हैं। 5 किलोमीटर फिर उसके बाद 10 किलोमीटर और। वहाँ नाश्ता पानी है, पानी उठा उठा के अपने चेहरे पे मारो। बहुत शुद्ध और निर्मल पानी है ये, और हम लोग इस कंकड़ पत्थर से होते हुए जा रहे हैं। बहुत ठंडे ठंडे पानी का आनंद लिया जा रहा है, बहुत प्यारा है। आती हूँ रुको मैं। को ऐसी चढ़ान करके कैसा लग रहा है? पाँव में क्या चुभ रहा है? पत्थर। हाँ जीजा जी आगे चलो, फिर चलो। ये लोग यहाँ पे छाता वाता खोल लिए, थोड़ा बारिश आ गया है। नहीं मिलेगा। और ये आरो और आकाश देखिए अबे। जीजा जी ने हमारे लिए यहाँ कारपेट डलवाया। अब आंख से आंसू ही आने वाले हमारे। अरे पहुंच गई नहीं हो, पहुंच गई। और यहाँ छोटा छोटा वाटरफॉल, और यहाँ बच्चे एंजॉय करते हुए हमारे, और मम्मी पापा भी बच्चों के एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा वो फाइनल वाटरफॉल जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और वो भी ऊपर दर्शन करेंगे हम लोग गगनगिरी महाराज जी के। बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये सब। यहाँ पे देखिए ऊंचाई पे हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल में। आरो और आकाश भीग रहे हैं, मेन वाटरफॉल है यहाँ पे, बहुत सारा पानी आ रहा है। और वो रहा मठ जहाँ से हम आए हुए थे। तो यहाँ पे अंदर ही वाटरफॉल के गुफा जैसा बनाया हुआ था, और वहाँ पे गगनगिरी महाराज की बहुत अच्छी मूर्ति रखी हुई थी। मुझे लगता है यही उनका मेन मंदिर है, तो यहाँ तक आना जैसे लगता है सफल हो गया आके हम।
आकाश आरो को भी उड़ा रहा है अम्ब्रेला, लेकिन आरो को भीगना है। एक अपना भी बनाते हैं तो इतनी दूरी बना के रखिए। इतने बढ़िया से वाटरफॉल और भगवान जी के दर्शन के बाद गगनगिरी महाराज के ऊपर बहुत प्यारी सी मूर्ति थी और हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और आकाश ने भी थोड़ा सा सर गीला किया वाटरफॉल में, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा भीगे हम लोग और अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ और बोल रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा वाटरफॉल है, वहाँ भीग सकते हैं, तो वहाँ भी भीगेंगे। वाटरफॉल इतना प्यारा है, एकदम क्लाउडी। हमारे रेनकोट पहन के चलते जा रहे हैं धीरे धीरे बेचारे। तो फाइनली हमको एक ऐसा वाटरफॉल दिखा जहाँ पे हम भीग सकते थे, जहाँ पे जा सकते थे। एक दो और वाटरफॉल दिखे लेकिन वहाँ पे जाना सेफ नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे भीगने का डिसाइड किए। तो सब लोग देखिए यहाँ पे गए अभी अंदर वाटरफॉल में। कपड़े उपड़े चेंज कर रहे हैं सारे लोग अभी तक। ये देखो रेडी हो गए ये लोग, बॉयज लोग। हम लोग नीचे आ गए हैं वाटरफॉल से पूरा। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोपहर के टाइम दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन है, और हम लोग जब आए थे तो बहुत कम भीड़ थी। सुबह सुबह जल्दी आने का ये फायदा रहता है मंदिर में। तो हम लोग यहीं पे देखिए खाली बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ पे इस टाइम इतना भीड़ है। सुबह चेंज कर लिया है और अभी जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए खाना खाने। तो हम लोग यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये लोग देखिए यहाँ पे प्रसाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग ने महाप्रसाद जो खाने की लाइन थी वहाँ पे नहीं लगे, दो ढाई घंटे लगने वाले थे, तो लड्डू वाला प्रसाद लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपने शूज वगैरह सब ले लिए हैं और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। देखिए ओल्ड शिव मंदिर है ये खपोली में। ये देखिए दोनों भाई यहाँ पे चिप्स खाते हुए और मंदिर में दर्शन हो गए, दोनों को बहुत तेज भूख लग गई है। और यहाँ पे देखिए हम लोग वापस आने के लिए खपोली टू कल्याण की ट्रेन पकड़ चुके हैं और बच्चे यहाँ पे गेम खेलते खेलते आए और सब लोग थक गए थे तो ज़्यादा व्लॉग नहीं किया वापस आने में। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। और आप लोग भी इस तरह से खपोली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ट्रेन से जाना और फैमिली के साथ सेफ भी है। तो गगनगिरी महाराज जी का आश्रम और वाटरफॉल एक साथ प्लान करना बहुत अच्छी जर्नी रहती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि एक मोटिवेशन भी रहता है कि दर्शन करने भी जा रहे हैं और वाटरफॉल का एंजॉयमेंट तो है ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।